लखनऊ के फैजुल्लागंज इलाके में आदर्श व्यापारी एसोसिएशन ने रविवार को होली मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता एक मंच पर दिखाई दिए, जिनमें लखनऊ पूर्वी विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी रहे आशीष सिन्हा, लखनऊ उत्तरी से सपा प्रत्याशी रही पूजा शुक्ला और सपा विधायक रविदास मल्होत्रा के अलावा अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर मंच से व्यापारियों को संबोधित करते हुए सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर में जब सरकार के आदेश पर 3 महीने तक लॉकडाउन लगा था, उसमें व्यापारियों की दुकानें बंद रहीं तो उनसे बिजली का बिल क्यों लिया गया? यह व्यापारियों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली का बिल तो लिया ही, लेकिन बैंकों ने किस्त में छूट तक नहीं दी। यही रवैया कोरोना की दूसरी लहर में भी देखने को मिला। सपा विधायक ने व्यापारियों को एकजुट रहने की सलाह दी, साथ ही व्यापारियों से कार्यक्रम स्थल पर दमन और उत्पीड़न को रोकने के लिए कार्यक्रम के दौरान एक प्रस्ताव भी पास कराया। इस दौरान विधायक रविदास मल्होत्रा से व्यापारियों ने कहा कि उनकी समस्या को लेकर वह सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। सब दुकानें, बाजार, मार्केट बंद रहेगा, लॉकडाउन हो गया और 3 महीने लगातार लॉकडाउन हुआ, लेकिन उस लॉकडाउन में व्यापारियों के दुकानों का बिजली का बिल क्यों लिया गया? जब सरकार के आदेश पर दुकानें बंद हुई हैं, जब दुकान मेरी बंद है, बिक्री बंद है, बैंक हमसे किस्त मांग रहा है और सरकार बिजली का बिल मांग रही है, ये कहाँ का न्याय है? व्यापारियों के ऊपर उत्पीड़न दमन हुआ है, उसके बारे में भी आप यहाँ प्रस्ताव पास करें। हम सब लोगों को मिल करके होली के इस अवसर पर, जो मैंने आपसे कहा कि जब कभी जहाँ कहीं जुल्म और अन्याय हो उसके खिलाफ हमको आपको मिल करके लड़ाई लड़ने का काम करना है। हम लोग व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के आपके फैजुल्लागंज से लेकर के और विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। जब कभी भी आपका आह्वान होगा, आपकी अपील होगी, व्यापारियों की समस्याओं के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करने का काम करेंगे।